गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू सो वट इज द फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व द फॉलोइंग इक्वेश हमें इन इक्वेश को सोल्व करना है सो फर्स्ट क्या है फाइव एक्स प्लस टू इजिकल टू थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व सो हमें इसको किस मेथड से सोल्व करना है ट्रांसपोजिशन मेथड के द्वारा सोल्व करना है तो जब हम इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो वेरिएबल को वेरिएबल के पास शिफ्ट करेंगे और नंबर को नंबर के पास शिफ्ट करेंगे सो so, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फाइव एक्स और हमें क्या किसका ट्रांसपोजिशन करना है थ्री एक्स का सो थ्री एक्स के सामने कौन सा सिंबल है प्लस का जब सिंबल यहाँ प्लस का हो तो आपको यहाँ पे शिफ्ट करते समय माइनस का सिंबल लगाना है इक्वल टू अब हम क्या लिखेंगे ट्वेल्व देन टू के सामने प्लस का सिंबल है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टू सो फाइव एक्स में से थ्री एक्स जाएगा तो क्या बचेगा टू एक्स And 12 में से टू को माइनस करेंगे तो टेन अब इन दोनों के बीच में कोई भी सिंबल नहीं है दैट मीन्स मल्टीप्लाई है सो so, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता है तो वो जब इसका ट्रांसपोजिशन होता है तो वो क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है सो so, हम क्या करेंगे एक्स इजिकल टू टेन बाय टू अब टू के टेबल में टेन कहा आता है कितनी बार में फाइव टेन में सो so, एक्स की वैल्यू क्या होगी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सिक्स वाई माइनस नाइन इजिकल टू टू वाई प्लस फिफ्टीन सो सबसे पहले हम क्या करेंगे सिक्स वाई किसका ट्रांसपोजिशन करेंगे टू वाई का सो so, यहाँ प्लस टू वाई है सो so, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस टू वाई इजिकल टू फिफ्टीन जब हम नाइन का ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस नाइन सो सिक्स में से टू गया तो कितना बचेगा फोर वाई इजिकल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी फोर सो इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय फोर सो फोर के टेबल में ट्वेंटी फोर पे आता है सिक्स टाइम में सो so वाई की वैल्यू क्या है सिक्स इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आपको सेल्फ सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर टू में क्या है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेश तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं टू इन ब्रैकेट एक्स प्लस फोर इज इकल टू ट्वेल्व है तो ब्रैकेट के अंदर बाहर कोई सिंबल नहीं है दैट मीन्स मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले हमें टू से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है देन हमें क्या करना है ट्रांसपोजिशन मेथड से इसको सॉल्व करना है तो जब हम टू से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कहेगा टू एक्स प्लस टू फोर जा एट ध्यान रखना है आपको कि इस नंबर से बारी बारी दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बाहर निकालना है इजिकल टू ट्वेल्व अब नंबर का ट्रांसपोजिशन होगा टू एक्स इजिकल टू ट्वेल्व यहां प्लस का सिंबल है तो यहां क्या आ जाएगा माइनस एट सो टू एक्स टू जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा फोर अब ये क्या हो जाएगा इसका टू का ट्रांसपोजिशन हो जाएगा सो क्या हो जाएगा एक्स इजिकल टू फोर बाय टू सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टू टू जो फोर सो हमारा आंसर भी क्या होगा टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थ्री इन ब्रैकेट एन माइनस फाइव इजिकल टू ट्वेंटी वन जब हम थ्री का मल्टीप्लाई एन से करेंगे तो क्या आएगा थ्री एन माइनस थ्री फाइव सा फिफ्टीन इजिकल टू ट्वेंटी वन सो अब फिफ्टीन का ट्रांसपोजिशन होगा सो थ्री एन इजिकल टू ट्वेंटी वन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या जाएगा प्लस फिफ्टीन सो थ्री एन इजिकल टू फाइव प्लस वन सिक्स एंड टू प्लस वन थ्री सो थर्टी सिक्स सो एन इजिकल टू अब क्या होगा ये थ्री का ट्रांसपोजिशन हो जाएगा दैट मींस ये डिवाइड हो जाएगा सो थ्री वन जा थ्री एंड थ्री टू सिक्स, तो एन की वैल्यू क्या हुई ट्वेल्व इसी तरीके से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आपको सेल्फ सोल्व करना है क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. फोर इज इक्वल टू फाइव इन ब्रैकेट पी माइनस टू तो सबसे पहले हम फाइव से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे So, हम क्या करेंगे फोर इजिकल टू फाइव मल्टीप्लाई पी क्या हो जाएगा फाइव पी यहां माइनस है तो यहां माइनस का सिंबल देंगे फाइव टू जन अब जो नंबर है उसका ट्रांसपोजिशन नंबर के पास होगा अब जब हम फाइव पी को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या जाएगा माइनस फाइव पी इजिकल टू माइनस टेन इसको जब हम इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस फोर सो माइनस फाइव पी इजिकल टू माइनस माइनस प्लस सो माइनस फोर्टीन क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस है अब ये माइनस माइनस कट जाएंगे देन p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्टीन बाय फाइव अभी आपस में तो कटते नहीं है सो फाइनल आंसर हमारा होगा फोर्टीन बाय फाइव नेक्स्ट क्या है माइनस फोर इज इकल टू फाइव इन ब्रैकेट पी माइनस टू So, हम क्या करेंगे माइनस फोर इजिकल टू फाइव से पी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव पी देन माइनस फाइव टू ज टेन अब क्या लिखेंगे हम इसका ट्रांसप्लेशन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस फाइव पी इजिकल टू माइनस टेन प्लस फोर सो माइनस फाइव पी इजिकल टू प्लस माइनस माइनस सो आंसर क्या आएगा हमारा माइनस सिक्स क्योंकि बड़े नंबर के सामने माइनस है अब ये माइनस माइनस कर जाएंगे हमारा आंसर क्या होगा पी इक्वल टू सिक्स बाय फाइव इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन आपको सेल्फ सॉल्व करने हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है सॉल्व द इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट सो क्या दिया हुआ है टू एक्स माइनस वन बाय थ्री माइनस टू इज इक्ल टू एक्स माइनस टू बाय थ्री माइनस वन तो सबसे पहले हम वेरिएबल को वेरिएबल के पास शिफ्ट कर लेते हैं सो टू एक्स माइनस वन बाय थ्री अब इसके सामने प्लस है तो यहां क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू बाय थ्री इजिकल टू माइनस वन एंड इसका ट्रांसमेशन करेंगे तो प्लस टू सो so, अब ये क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया है सो हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम निकालेंगे थ्री और थ्री का एलसीएम क्या होगा थ्री सो so, थ्री के टेबल में थ्री कितनी बार में आता है वन टाइम में आता है तो वन टू एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस वन देन माइनस क्या हो जाएगा वन टाइम है सो एक्स माइनस टू एज इट इज इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा वन अब इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सो so, क्या होगा टू एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू थ्री वन थ्री सॉरी हमको यहां पे ध्यान रखना है कि यहां पे बीच में माइनस है सो so, जब हम इसको सॉल्व करेंगे लाइक like इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वन से सो so यहां क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस तो हमें यहां क्या लिखना पड़ेगा प्लस टू अब टू एक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा ओनली एक्स देन यहां पे भी प्लस लगा लेते हैं देन माइनस वन एंड प्लस टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस पर आंसर क्या आएगा प्लस वन क्योंकि टू में से वन गया वन इजिकल टू थ्री अब एक्स इजिकल टू थ्री माइनस वन का ट्रांसपोरेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सॉरी प्लस वन का ट्रांसपोरेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री माइनस वन टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थ्री एक्स बाय टेन माइनस सेवन एक्स बाय ट्वेंटी फाइव इजिकल टू ट्वेंटी नाइन बाय ट्वेंटी फाइव माइनस टू एक्स बाय फाइव सो हम नंबर को नंबर के पास और वेरिएबल को वेरिएबल के पास शिफ्ट करेंगे सो so, हम क्या लिखेंगे थ्री एक्स बाय टेन माइनस सेवन एक्स बाय ट्वेंटी फाइव देन हम इसका ट्रांसप्लेशन करेंगे सो so, क्या हो जाएगा प्लस टू एक्स बाय फाइव क्योंकि यहां माइनस है इजिकल टू ट्वेंटी नाइन बाय ट्वेंटी फाइव अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया है तो तीनों का हमें एल्सियम लेना पड़ेगा जब हम तीनों का एल्सियम निकालेंगे तो एल्सियम आएगा 50. 10 के टेबल में 50 में में। कितनी बार आता है? 5 में. So, 5 से 3X का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइव थ्री फिफ्टीन एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव के टेबल में फिफ्टी कितनी बार में आता है टू टाइम में सो टू सेवन जा क्या हो जाएगा फोर्टीन एक्स देन प्लस फाइव के टेबल में फिफ्टी कितनी बार में आता है टेन टाइम में टेन टू ज ट्वेंटी एक्स इजिकल टू ट्वेंटी नाइन बाय ट्वेंटी फाइव देन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा सो यहाँ क्या रहेगा फिफ्टीन एक्स माइनस फोर्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स इजिकल टू ट्वेंटी नाइन बाय ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई फिफ्टी अब रहा है टू टाइम में सो so, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा फिफ्टीन एक्स से फोर्टीन एक्स को माइनस करेंगे तो वन बचेगा वन प्लस ट्वेंटी क्या हो जाएगा ट्वेंटी वन सॉरी ट्वेंटी वन एक्स क्योंकि यहां पे भी एक्स है सो so इन दोनों को हमें पहले प्लस करना है देन फोर्टीन से माइनस करना है सो so क्या जाएगा ट्वेंटी वन एक्स इजिकल टू ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाइड बाई टू करेंगे तो क्या जाएगा फिफ्टी एट सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज़िशन हो जाएगा फिफ्टी एट बाय ट्वेंटी वन सो एक्स की वैल्यू क्या है फिफ्टी एट बाय ट्वेंटी वन तो इसी तरीके से इन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और बार बार प्रैक्टिस करनी है